नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां खंड विकास क्षेत्र सठियाओं के अंतर्गत बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय महवतपुर सागर में रविवार को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य अजय प्रकाश सिंह रहे। मुख्य अतिथि के हाथों BA अंतिम वर्ष के कुल 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। आपको बता दें, स्मार्टफोन पाकर छात्राओं व छात्र के चेहरे खुशी से खिल उठे। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को सशक्तिकरण एवं तकनीकी विकास के मद्देनजर छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण कर रही है। इसी क्रम में रविवार को विकासखंड क्षेत्र सठियाओं के बाबू नक्की सिंह स्मारक महाविद्यालय मोहब्बतपुर के BA अंतिम वर्ष के अध्ययनरत कुल 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि अजय प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से टेक्निकल ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। तकनीकी शिक्षा का जहां विकास होगा, वहीं वे अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रबंधक देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षा के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बच्चों को मिल सकता है, इसलिए छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजना लाभदायक साबित होगी। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर प्रेम बहादुर सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, दुर्गेश सिंह, राम आशीष यादव, दीपक सिंह, संतोष मिश्रा, ललित मोहन सिंह, गोविंद यादव, प्रभात रंजन सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं ने, आप सुनिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुणमा मिश्रा है, मैं BA की छात्रा हूं और आज हम लोग के कॉलेज में स्मार्टफोन का वितरण हुआ है, जो कि हम लोग पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। सरकार की यह योजना जो है स्मार्टफोन की, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की ये योजना स्मार्टफोन वितरण पर बहुत ही अच्छी योजना है। इससे हम लोग पढ़ सकते हैं, इसे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है, मैं MA का छात्र हूँ, जो कि आज हम लोगों को योगी आदित्यनाथ द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हुआ है, जिसमें इसमें दुनिया भर की सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। बच्चे अपने हिसाब से शिक्षा के अगर प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा। सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की इस योजना का, जो कि बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को जागरूकता करने की ओर बढ़ाया गया है, जो कि उम्मीद है कि सभी छात्र इस योजना का लाभ उठाएंगे और सरकार जो इस कदम को आगे बढ़ाई है, अति उत्तम रहा है। इसको सर परीक्षा केवल शिक्षा के लिए अगर यूज किया जाए तो अत्युत्तम रहेगा, और मेरा भी मानना है कि मैं शिक्षा के यूज करूंगा इसको।